महायुतीचा विजय असो। देखिए ये बड़ी दुखद की बात है कि शरद पवार जी के मंच पर जहां पर शरद पवार खुद बैठे हैं, ज्ञानेश महाराव जैसा व्यक्तिमत्व सीधे प्रभु राम की आलोचना करता है और उन्हें अभद्र भाषा में बात करता है और कहता है कि प्रभु राम का अस्तित्व नहीं है और प्रभु राम के बारे में ऐसे शब्द बोलना, करोड़ों हिंदू जितने भी भगवान राम से प्यार करते हैं, भगवान राम को अपना मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं और उनको देव मानते हैं, उनकी भावनाओं को हमेशा उन्होंने दुख पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है आदरणीय शरद पवार साहब, आप उस मंच पर बैठे थे तो इसका मतलब यह समझे कि आपको भी भगवान राम के प्रति द्वेष है। आपने भी आप भी यह नहीं चाहते थे कि देश में जो भव्य मंदिर बना वह बनना चाहिए था। इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय शरद पवार जी प्रत्यक्ष रूप से हिंदू विरोधी हैं। हिंदू समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा और अपने आप को हिंदुओं का बड़ा नेता कहने वाले, समय समय पर भगवा सप्ताह या हिरवा सप्ताह मनाने वाले आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आपकी जबान क्यों बंद है? जब शरद पवार जी के मंच पर यह बोला जा रहा था प्रभु राम की, जो कि आलोचना की जा रही थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, तो आपके मुंह में दही क्यों जम गई? आप क्यों नहीं शरद पवार जी के खिलाफ खड़े हो गए? क्या आपको अपनी सत्ता पाना बहुत जरूरी है? किस चीज का वो आपने कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार? अब तो ऐसा नहीं लगता है, अब तो आप केवल सरकार ही सरकार चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे शिवसेना का धिक्कार करते हैं, शरद पवार की महाविकास आघाड़ी का धिक्कार करते हैं, सारे हिंदू जनमानव आपका धिक्कार करते हैं। या हिंदू धर्माबाबत नेहमी ज्यांची भूमिका अदली बदली होत राहिली, असे कपटी नेते कालच्या ह्या व्यासपीठावर, त्या ज्ञानरावच्या व्यासपीठावर उपस्थित होते आणि त्यांनी श्री रामाच्या बद्दल बोलताना ऐकताना जसं त्यांचं तोंड वाकडं झालं तसं त्यांचे कान कान झडून गेले। मला असं वाटतं ह्या महाविकास आघाडीमध्ये जे जे नेते आहेत त्या त्या लोकांनी कालच्या या वक्तव्यावर बोलायला पाहिजे होतं, परंतु जो उठतो तो श्री रामाबद्दल बोलतो। गणपतीचे दिवस चालू आहेत, गणपती विराजमान आहे आणि गणपतीच्या आरतीच्या शेवटी श्रीराम जयराम हरे कृष्ण हरे राम असं बोललं जातं आणि ह्या रामाचं एवढं महत्त्व आहे आणि त्या रामाबद्दल एखादा नीच दृष्टा हा विघ्नेश असं काय पद्धतीने बोलतो, त्याला ज्ञानेश तर बोलताच येणार नाही आणि त्याचा धिक्कार आम्ही करतोय। या महाविकास आघाडीच्या सर्वच नेत्यांचा धिक्कार करतोय। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भूमीमध्ये या रामाचा अपमान करणाऱ्या या सगळ्यांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। भारत माता की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।